नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप अगर टिकटॉक के ऊपर कोई भी वीडियो पोस्ट करते हो, आप एक तो टिकटॉकर्स हो, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आपके लिए नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक के ऊपर पूरी ब्लैक स्क्रीन वीडियो कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ मैजिक ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल 2 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टिकटॉक के ऊपर अपने कोई भी कैमरे से शूट की हुई वीडियो हम अपने टिकटॉक आईडी के ऊपर पूरे ब्लैक स्क्रीन में कैसे पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स देख सकते हो बड़े बड़े, जो कि अपनी वीडियो में अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ वीडियो बनाते हैं। तो क्या है ये क्रिएटिविटी और कैसे कर देना है इसे हमें एडिट, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो दोस्तों ध्यान तक आपको देखना होगा लास्ट तक, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को मिस करते हो, स्किप करते हो, तो आपको ये ट्रिक समझने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा ही चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों टिकटॉक के ऊपर कोई भी वीडियो की ब्लैक स्क्रीन हमें कर देनी है एडिट, तो दोस्तों हमें यहाँ पे छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन। और ये एप्लीकेशन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर से। सिंपल से ये एप्लीकेशन आप जैसे डाउनलोड करोगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन में अपने वीडियो के साथ थोड़ी सी हमें एडिटिंग करनी होगी। जैसे आप एडिटिंग करते हो, बस 2 मिनट की एडिटिंग करनी होगी दोस्तों। जैसे आप वो एडिटिंग करते हो, तो आप अपने कोई भी कैमरे से किया हुआ शूट वीडियो उसको आप अपने ब्लैक स्क्रीन में चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि वायरल तो हुए हैं, लेकिन उनमें क्रिएटिविटी बिल्कुल इस ब्लैक स्क्रीन के जैसी थी। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी टिकटॉक का वीडियो मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी ब्लैक स्क्रीन हमें कैसे एडिट करनी है। तो मान लीजिए दोस्तों, मुझे यहाँ से कोई वीडियो एक अच्छा लगता है, इसे मुझे कर देना है ब्लैक स्क्रीन। तो यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो डाउनलोड कर लूंगा टिकटॉक का ही आपको दिखाने के लिए, सैंपल के लिए। लेकिन आपको कोई भी वीडियो अगर आपको कर देना है एडिट ब्लैक स्क्रीन में, तो दोस्तों आपको वो वीडियो को गैलरी में सेव करके रखना होगा आपका कोई भी वीडियो। तो मान लीजिए मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, ये मैंने मेरे मोबाइल के कैमरे से वीडियो शूट किया हुआ है, या फिर कोई वीडियो मुझे अच्छा लगा, तो सिंपल से मुझे गैलरी में सेव करके रखना है। तो मैं सैंपल के लिए आपको यहाँ से ही एक वीडियो डाउनलोड करने वाला हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मान लीजिए दोस्तों ये वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, तो सिंपल से मुझे क्या कर देना है, ये वीडियो को मुझे कर देना है डाउनलोड। मैं यहाँ से वीडियो फीड आपको दिखाने के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको आपके कैमरे से कोई भी शूट किया हुआ वीडियो आपको आपके मोबाइल के टिकटॉक के आईडी के ऊपर पोस्ट करना है ब्लैक स्क्रीन में, तो आपको गैलरी में सेव करके रखना होगा। जैसे आप गैलरी में सेव करके रखोगे, उसके बाद ये एप्लीकेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के लिए, उस एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन। सिंपल से वो एप्लीकेशन पे हमें ओपन कर देना है। जैसे ये एप्लीकेशन आप ओपन करते हो आपके मोबाइल में, तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ हमें प्लस आइकन का एक ऑप्शन मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेकंड स्क्रीन हमें चूज करना है जो है 9.16। इसे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मुझे कर देना है क्लिक। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आएगा स्क्रीन वाला, तो यहाँ पे जो प्लस आइकॉन है मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे जो है इमेज एंड वीडियो, इसके ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो आप देख सकते हो मेरे मोबाइल की गैलरी में के बहुत सारे जो वीडियो मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव किए हुए ये मेरे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। लेकिन मैंने जो आपके सामने एक वीडियो सेव किया था टिकटॉक से, ये था दोस्तों, ये वीडियो आप देख सकते हो। एक बार मैं इसको प्ले करके बताने वाला हूँ आपको। तो ये वीडियो मैंने मेरे टिकटॉक से अभी अभी डाउनलोड किया हुआ है। तो मान लीजिए ये वीडियो की हमें ब्लैक स्क्रीन कर देनी है, तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ एक हमें आइकॉन मिल रहा है इफेक्ट, जो नीचे की तरफ राइट साइड में लास्ट में है। तो सिंपल से मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है।
जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो ऐड इफेक्ट यहाँ पे मुझे कर देना है क्लिक। जैसे ही ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिल चुका है कलर्स एंड लाइट, तो यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है कलर्स एंड लाइट पे और मुझे आना है सिंपल से नीचे। ध्यान से देखना दोस्तों, यही वो सेटिंग करनी है जिससे हमारे मोबाइल की पूरी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी बैकग्राउंड की। तो यहाँ पे रिप्लेस कलर में आने के बाद आप देख सकते हो नीचे मुझे दो कलर मिल चुके हैं, एक रेड और एक है ब्लू। तो यहाँ पे सिंपल से आपको रेड के ऊपर क्लिक करना है रिप्लेस कलर, उसके बाद ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे वो पेंसिल के आइकन के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो आपको ऊपर एक सर्कल मिलेगा, जिस सर्कल को आपको ये वीडियो के बैकग्राउंड स्क्रीन जो भी आपको ब्लैक करनी है वहाँ पे लेके जाना है और एक कलर सिंपल से सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने ब्लू कर दिया है यहाँ पे। तो अभी ये मेरे मोबाइल की पूरी बैकग्राउंड स्क्रीन हो गई है ब्लू। अभी मुझे इसको ब्लैक करनी है, तो ब्लैक से कुछ इफेक्ट्स कुछ अलग महसूस होता है। और आप बहुत आप टिकटॉक के ऊपर ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स देख सकते हो जो कि ब्लैक स्क्रीन में ही ज्यादा वीडियो पोस्ट करते हैं और यही वीडियो दोस्तों कुछ अलग सा इफेक्ट देता है और यही वीडियो को वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू स्क्रीन हो चुकी है। अब नीचे मुझे कलर मिल चुका है न्यू कलर, यहाँ पे मुझे सिंपल से कर देना है क्लिक। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कलर मुझे ऑप्शन में मिल चुके हैं, यहाँ पे कोई भी कलर मैं ले सकता हूँ, मुझे लेकिन ब्लैक लेना है क्योंकि ब्लैक बहुत इफेक्टफुल लगता है। तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ मेरा पूरा कलर जो है बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। अब मैं यहाँ से प्ले भी करके आपको बता देता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ ये वीडियो की पूरी ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, ऊपर आप देख सकते हो सेटिंग के राइट साइड में जो ऑप्शन है यहाँ पे मुझे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपल से मुझे एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो वीडियो है मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा विथ ब्लैक बैकग्राउंड स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव हो चुका है। इसको मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस वीडियो की बैकग्राउंड स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है। तो ये वीडियो अगर मेरे मोबाइल में मैं टिकटॉक आईडी के ऊपर पोस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं पोस्ट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों कर देना छोटा सा लाइक, साथ ही साथ ये वीडियो को कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।